तो प्रजा भी नीति पर चलेगी और तब प्रकृति ऐसे राज्य में अपना सर्वस्व प्रदान करेगी जैसा कि पृथ्वी के राज्य में था। वहां चारों ओर सुख शांति संप्रति व्याप्त थी। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत के जीवन वृतांत से यह बताया गया है कि गृहस्थ में रहकर भी आदर्श आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। इसी स्कंद में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। आत्म कल्याण के वे सात सूत्र जीवन व्यवहार की सप्तपति है। इसी स्कंद में राजा भरत एवं जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को दिए गए तत्व ज्ञान का नवनीत भी इसी में है। छठे स्कंद में अजामिल एवं राजा चित्रकेतु की कथा है। इन कथाओं का सार यह है कि वासनाओं एवं कामनाओं के माया जाल में फंसा व्यक्ति भी परमात्मा एवं संत के अनुग्रह से मुक्त हो सकता है। नरसिंह अवतार की कथा है। भगवान में मनुष्य की श्रद्धा एवं आस्था प्रहलाद की तरह अड़िग होगी तो भगवान हर संकट में उसकी रक्षा करेंगे। इसी स्कंद में वर्ण धर्म एवं स्त्री धर्म का उल्लेख करते हुए स्त्री की शक्ति एवं उसकी महत्ता को रेखांकित किया गया है। भगवान ने चलो जो टाबर मायन पड़ी है इन सभी कथाओं में जीवन के कुछ व्यवहारिक स्वाध्याय चिंतन मनन से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित की जा सकती है। नवे स्कंद में सूर्य वंश एवं चंद्र वंश में हुए राजाओं की कथाएं है। प्राचीन भारतीयता के गौरव की दृष्टि से ये कथाएं अति महत्वपूर्ण है। मनु सतरूपा की कथा ये सुंदर संदेश देती है कि परिवार एवं समाज की प्रगति एवं उत्थान हेतु पति पत्नी में तादात्म्य भाव एवं वैचारिक समरूपता होना अति आवश्यक है प्राप्त होता है। विपरीत परिस्थितियों एवं घोर विपत्तियों में भी सत्य एवं नीति पर चलते रहोगे तो भावी जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। राजा अम्बरीश ययाति एवं रामावतार की कथा भी इसी स्कंद में है। राजा रंतिदेव जैसे बिरले मानव रत्न का चरित्र भी इसी में वर्णित है। जिन्होंने भगवान से स्वयं के लिए दूसरों के दुख मांगे ताकि दुखों से संतप्त अन्य जीव उन दुखों से मुक्त हो सुखी जीवन जी सके। संसार में कहां है आज ऐसे आदर्श पुरुष। भारत की मिट्टी में ही ऐसे देव पुरुष जन्म लेते हैं। भागवत का आगे 10वां स्कंद भगवान का हृदय है।